नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो हॉट मुद्दे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मीडिया कवरेज की लगातार वजह बन रहे थे, उनमें से एक चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो जब वो NDA में थे तब भी अपने साथी दल पे यानी कि साथी नेता पे नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर हो रहे थे, लगातार उनकी कमियों को दिखा रहे थे, बता रहे थे और लगातार उन पे दोष लगा रहे थे। जब वो NDA से अलग हुए तब भी उन्होंने यही वजह बताया कि नीतीश कुमार की वजह से ही वो NDA से अलग हुए हैं। और भी तमाम चीज़ें हुई जिसको लेकर वो एक चर्चा का विषय बने। उनके पिता का निधन हुआ जिसके बाद वो राजनीति से थोड़े से दूर हो गए, लेकिन जब वापस उन्होंने एंट्री की तो उसी पूरे जोश के साथ एंट्री की। जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था उस विधानसभा क्षेत्र में वो गए, वहाँ जाकर जनसभाएं की, अपने बातें रखी, अपने मुद्दे रखे। उनका एक ही नारा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये चीज़ें काफ़ी चर्चा का विषय बनी, चर्चित हुई। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आया तो हालांकि उन्हें एक ही सीट मिली, लेकिन इससे वो नाखुश ना होकर, इससे वो डीमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा और पूरे जोश के साथ उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जो 6% वोट दिया है उसके लिए वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। हर उस विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे जहाँ से उनके उम्मीदवार खड़े हुए थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। वो छठ के बाद, उन्होंने कहा है कि छठ के बाद वो जो है धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान को यानी कि एलजेपी पार्टी को इस बार जो है एक ही सीट मिली है, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने स्वीकारा और इस चीज़ को अच्छे से यानी कि एक अच्छे तरीके से उन्होंने पॉजिटिव वे में इसे लिया और कहा कि जनता ने उन्हें स्वीकारा है। क्योंकि ये पहली बार है कि वो पहली बार इस बार चुनाव में अकेले खड़े हुए, अकेले लड़ रहे हैं, तब भी उन्हें एक सीट आई जिसको लेकर और 6% वोट लगभग उन्हें मिला है जिसको लेकर वो नाखुश नहीं हुए। उन्होंने स्वीकारा और इस चीज़ को आगे जो कहा है कि नेक्स्ट जब चुनाव होगा उसमें वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और ऐसे ही वो जो है लगातार बिहार के लिए सोचते रहेंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो भारत लाइव ऐसे ही अपडेट आपके सामने पहुंचाती रहेगी। आपको ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हर वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।